हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे IBPS अरबी क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के 2021 यानी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया, जो क्वेश्चंस देखने को मिले, उसका लेवल कैसा था, कैसे थे वो क्वेश्चंस, क्या होना चाहिए उनका सही जवाब, कंप्लीट एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि एक तो लेवल का आपको आइडिया लगेगा, और दूसरा कई बार सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, और तीसरा कई बार आंसर से क्वेश्चन और क्वेश्चन से आंसर बन जाता है, यानी जो आंसर थे अब वो क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए कंप्लीट एनालिसिस आप जरूर देखिएगा 2021 के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं, हैव अ लुक। साथ ही साथ एक क्वेश्चन रहता है कैंडिडेट का कि सर कंप्यूटर पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं है, किस बुक से पढ़ लें, कौन सी वीडियो देख लें जो 100% स्कोर हो जाए कंप्यूटर में, ताकि कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट में अगर आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस आपके बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए है आपका ड्रीम बैच 2.0। IBPS RRB प्योर क्लर्क को ध्यान में रखते हुए फोकस होके ड्रीम बैच 2.0 में आपको पढ़ाया गया है। 2 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो गया था जो अब पूरा एंड हो चुका है। यहाँ पर टोटल कितने वीडियोस आपको मिलेंगे, 55 वीडियोस मिलेंगे, प्लस हर एक सेशन की PDF मिलेगी, चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, चैप्टर वाइज MCQs, मॉक टेस्ट, टेस्ट, रिवीजन, बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गारंटी है अगर आप इस बैच से जुड़ जाते हैं तो 100% स्कोर आप करेंगे ही करेंगे। कैसे जुड़ सकते हैं इस बैच से, अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, और फिर इस बैच से आप कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा जहां से डायरेक्टली आप लोग एप्लीकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, हैव अ लुक गाइस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वॉट वी कॉल कीज विच आर ऑन टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड के जो सबसे ऊपर कीज होती हैं वो कौन सी होती है, कंट्रोल कीज, नंबर कीज, फंक्शन कीज, मॉडिफायर कीज या ऑल ऑफ दीज। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर था फंक्शन कीज। सबसे ऊपर क्या होता है, F1, F2, F3, F4, F5 टिल F12, यानी फंक्शन कीज होती है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी शॉर्टकट की टू क्लोज अ टैब इन ब्राउजर। ब्राउजर में टैब को बंद करने की शॉर्टकट की बताइए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल टी, कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल के साथ टैब, बताइएगा। बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल टी करते हैं, जबकि टैब को क्लोज करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का इस्तेमाल करते हैं ब्राउजर के केस में। नेक्स्ट, हाउ मेनी कीज आर देयर इन अ न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड में टोटल नंबर ऑफ कीज कितनी होती है, पूरे कीबोर्ड में नहीं पूछ रहा है, जो राइट हैंड साइड में न्यूमेरिक कीपैड होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कीज पूछी जा रही हैं कितनी होती है, 10, 15, 19, 21 या 17। बिल्कुल और करेक्ट आंसर होगा दैट इज 17 कीज। यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि अगर एप्पल के बारे में बात हो रही हो कि एप्पल कंप्यूटर्स में जो न्यूमेरिक कीपैड हैं उसमें कितनी कीज होती हैं, तो 18 हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो करेक्ट आंसर होगा 17, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिक्स इज रिटन इन विच लैंग्वेज। यूनिक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यूनिक्स और लाइनेक्स मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका इस्तेमाल सर्वर में किया जाता है। फिर से, यूनिक्स मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है गाइस, सर्वर में। यूनिक्स किसने डेवलप किया, मिस्टर केन थॉम्सन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। किस लैंग्वेज में लिखा गया, तो आंसर है सी एंड असेंबली लैंग्वेज में इसको लिखा गया। सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ।
कैश मेमोरी किससे मिलके बनी होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट, डी रैम, एस रैम, फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर? तो कैश मेमोरी जो कि सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी है, क्योंकि पहली फास्टेस्ट रजिस्टर है और रजिस्टर के बाद कौन सी है? कैशे। कैशे को बनाया जाता है किसकी मदद से? स्टैटिक रैम की मदद से। सो द करेक्ट आंसर इज एस रैम, यानी स्टैटिक रैम। क्लियर है? नेक्स्ट, हाउ मेनी निबल क्रिएट वन बाइट? एक बाइट में कितनी निबल होती है? हाउ मेनी निबल क्रिएट वन बाइट? एक बाइट में कितनी निबल होती है बताइएगा? वन निबल, टू निबल, फोर, एट या नन ऑफ दीस? तो एक निबल 4 बिट के बराबर होती है। वन निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट, टू निबल इज इक्वल्स टू 8 बिट, और 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? टू निबल इज दी करेक्ट। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया, वेरी गुड गाइस, टू निबल इज इक्वल्स टू 1 बाइट। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर कम्स इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर जनरेशन में किस जनरेशन में रखा गया? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ? एंड द करेक्ट आंसर इज फोर्थ जनरेशन। आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, रोबोट्स, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 इज विच टाइप ऑफ सर्विस? माइक्रोसॉफ्ट 365 किस तरीके की सर्विस है बताइए? ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, स्पाईवेयर, पैरेलल सर्विस या सब्सक्रिप्शन सर्विस? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो माइक्रोसॉफ्ट 365 क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, जहां पर हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, या क्लाउड प्लेटफॉर्म भी बोल सकते हैं। और ये कैसी सर्विस है? सब्सक्रिप्शन सर्विस है, क्योंकि ये पेड सर्विस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन सर्विस। क्लियर है? नेक्स्ट, रजिस्टर्स इन अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ? रजिस्टर किससे मिलके बने होते हैं कंप्यूटर में? रजिस्टर मेमोरी जो कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है कंप्यूटर में, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? आईसी, फ्लिप फ्लॉप, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? रजिस्टर बोलते हैं। या रजिस्टर कैसे बनते हैं? तो आंसर है विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेकेंड वन। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन? प्रोसेसर की स्पीड को किसमें नापा जाता है? हर्स, मेगा हर्स, गीगा हर्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? सोचिएगा, प्रोसेसर की स्पीड कहें या कंप्यूटर की स्पीड कहें या सीपीयू की स्पीड कहें, बात एक ही है। और ये किसमें मेजर की जाती है? हर्ज में, मेगा हर्ज और गीगा हर्ज में। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी फोर्थ इज दी करेक्ट। तो ये सभी आंसर क्या है? वैलिड है। नेक्स्ट, अनसॉलिसिटेड ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज? बहुत आसान है, आप लोग बता पाएंगे। अनसॉलिसिटेड ईमेल को, यानी अनवांटेड मेल को, मतलब अनचाहे मेल को क्या बोलते हैं? फिशिंग, मैलवेयर, ट्रोजन हॉर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट या स्पैम? करेक्ट आंसर इज स्पैम। अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम बोला जाता है। नेक्स्ट, IPv6 इज इन विच फॉर्मेट? IPv6 का फॉर्मेट बताइए। बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल या नन ऑफ दीस? एंड द करेक्ट आंसर इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। याद रखिएगा, मैक एड्रेस पूछा जाए या IPv6 एड्रेस, दोनों ही का फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट होता है। तो आपके सामने दिया गया है, दिस इज IPv6 एड्रेस। और IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, चूज द ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
इनमें से ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें एडिटिंग हो सकती है, वो ओपन सोर्स है। यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज, मैक, आईओएस एंड डॉस। बिल्कुल सही, लाइनेक्स इज कंसीडर्ड एज दी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय मिस्टर लाइनस टोरवाल्ड्स इन 1991 इज कंसीडर्ड एज दी व्हाट? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड भी आपका लाइनेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, जीयूआई वाज इन्वेंटेड बाय। जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर हम माउस और कीबोर्ड दोनों का इस्तेमाल करते हैं, वो जीयूआई प्लेटफॉर्म है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जहां माउस की मदद से हम ड्रैग ड्रॉप कर पाते हैं, हम माउस की मदद से डबल क्लिक कर पाते हैं, सिंगल क्लिक कर पाते हैं, जीयूआई। और जीयूआई का कॉन्सेप्ट किसने इन्वेंट किया? मिस्टर एलन के, यानी फर्स्ट इज दी करेक्ट वन। क्लियर। नेक्स्ट, अमंग दीज नेम दी डम्ब टर्मिनल। देखिए, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान पूछे गए थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ थोड़े से लेवल हाई भी था। तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें तीनों तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, इजी, मॉडरेट, थोड़े से टफ। बताइए, डम्ब टर्मिनल्स कौन से होते हैं? डम्ब टर्मिनल्स वो टर्मिनल्स होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं होती। फिर से, दोस टर्मिनल्स आर कॉल्ड डम्ब टर्मिनल्स दैट डजेंट हैव देयर ओन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। जैसे कीबोर्ड एंड स्क्रीन आर कंसीडर्ड एज दी डम्ब टर्मिनल्स, सो दी करेक्ट वन इज कीबोर्ड एंड स्क्रीन। जबकि इसका उल्टा होता है स्मार्ट टर्मिनल्स। स्मार्ट टर्मिनल्स वो होते हैं जिनकी खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। जैसे जैसे सीपीयू है ना, एक स्मार्ट टर्मिनल है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है। एटीएम मशीन स्मार्ट टर्मिनल है, खुद की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, तो इनको बोलते हैं स्मार्ट टर्मिनल्स। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू हाइड आईपी एड्रेस? कह रहा है कि आईपी एड्रेस को हाइड करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? अगर हम एक हैकर हैं और मुझे आईपी एड्रेस हाइड करना है, तो कैसे करेंगे? वीपीएन का यूज करेंगे, ओसीआर, टॉर, वॉर्म या स्निफिंग? क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वीपीएन टेक्नोलॉजी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे, पीपीटीपी प्रोटोकॉल की मदद से डेटा को सेंड करेंगे, टनल की मदद से, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल का यूज होगा। और यहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, मैक एड्रेस इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? मैक एड्रेस मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक एड्रेस, जिसको फिजिकल एड्रेस ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है, इसको किस लिए यूज करते हैं? लोकेट द आईपी एड्रेस, फाइंड डीएनएस इन अ नेटवर्क, टू सेंड एन ईमेल, ईथरनेट कनेक्शन या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल, इसका करेक्ट आंसर है ईथरनेट कनेक्शन। ईथरनेट कनेक्शन को लैन कनेक्शन भी बोलते हैं। तो मैक एड्रेस का इस्तेमाल लैन कनेक्शन या ईथरनेट कनेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। नेक्स्ट, अरेंज विंडोज वर्जन फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। देखिए, आरआरबी प्योर क्लर्क के पेपर में विंडोज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सारे वर्जन पता होने चाहिए आपको सीक्वेंस वाइज। अरेंज विंडोज वर्जन फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। बताइए, सबसे पुराने से लेकर सबसे नए वाले तक सीक्वेंस में अरेंज करिए, कौन सा वैलिड है? तो सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो विंडोज एक्सपी आया, फिर उसके बाद विस्टा आया, विस्टा के बाद सेवन, सेवन के बाद एट, एट के बाद 8.1, विंडोज 10 और अब लेटेस्ट है विंडोज 11। तो यानी करेक्ट आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या था? सेकंड इज द राइट वन, एक्सपी, विस्टा, सेवन और एट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द लॉन्च ईयर ऑफ विंडोज 7? विंडोज 7 को कब लॉन्च किया गया? लॉन्च ईयर और कब एंड हुआ विंडोज,
है ना। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे विंडोज 7 कब एंड हुआ, विंडोज 7 की सर्विसेज कब एंड हुई, विंडोज 8 की सर्विसेज कब एंड होंगी, विंडोज 10 कब एंड होगा, विंडोज 11 कब एंड होगा, है ना। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए तो लॉन्च ईयर ऑफ विंडोज 7 क्या है? 2009 है, 2009 में इसको लॉन्च किया गया। और ये ईयर रहा, यानी पूरी डेट रही 22 जुलाई 2009, 2009। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन स्मार्ट कार्ड? स्मार्ट कार्ड आप लोग जानते हैं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। पर डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। बीसीआर, वीपीएन, ईपी रोम, फ्लैश या एनएफसी? करेक्ट आंसर होगा एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के नाम से इसको जानते हैं, जहां पर आपको कार्ड को इंसर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एटीएम मशीन या पीओएस डिवाइस में ऑटोमेटिकली फिक्स रेंज के अकॉर्डिंग ये कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेता है और आपका अमाउंट वहां से कट जाता है। तो ये सर्विस है आपकी एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। वाईफाई का सिंबल आपने देखा होगा, कई सारे डेबिट कार्ड में वाईफाई का सिंबल बना होता है, तो इसका मतलब जो आपका कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है या एटीएम कार्ड है, वो एनएफसी इनेबल्ड है। क्लियर? नेक्स्ट, फॉरेन की इन अ डेटाबेस इज, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि डेटाबेस में फॉरेन की क्या है। तो फॉरेन की के रिस्पेक्ट में आपको याद रखना है, हमेशा दो टेबल होंगी। पहली टेबल में वो प्राइमरी की होगी और दूसरी टेबल में वही फॉरेन की होगी। तो इसका मतलब अ कॉलम कंटेनिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड फॉरेन की। नेक्स्ट, इन फर्स्ट जनरेशन विच अमंग दिस इज फर्स्टली यूज्ड? कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया? माउस, कीबोर्ड, पंच कार्ड, ट्रांजिस्टर या इंटीग्रेटेड सर्किट का? एंड द करेक्ट आंसर इज पंच कार्ड। पंच कार्ड को हॉलरिथ कार्ड के नाम से भी जानते हैं, मिस्टर हरमन हॉलरिथ ने इसको डिजाइन किया था। तो इसको क्या बोलेंगे? पंच कार्ड, जो कि फर्स्ट जनरेशन में एज अ स्टोरेज डिवाइस के तौर पर यूज किया गया। नेक्स्ट, 0 एंड 1 आर दी डैश इनपुट। 0 और 1 को क्या बोलते हैं? एनालॉग, डिजिटल, डेसिमल, यूपीएस या सिस्टम क्लॉक इनपुट? तो हम लोग जानते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 0 1 को डिजिटल इनपुट या बाइनरी इनपुट के नाम से जानते हैं। सो दी करेक्ट वन इज सेकेंड, डिजिटल इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रैम और रोम। कह रहा है ये रैम और रोम की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं? राइड, राइट करना और रीड करना। तो रैम जो है वो राइट करती है बिल्कुल, रीड और राइट दोनों करती है, और रोम क्या करती है? रीड ओनली मेमोरी है। सही है। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, यानी रैम कैसी है? टेम्परेरी, वोलाटाइल। और रोम कैसी है? टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है, मीन्स नॉन वोलाटाइल है। टेम्परेरी और परमानेंट, ये भी सही है। सेमी कंडक्टर मेमोरी, रैम और रोम को सेमी कंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर्स। ये भी सही है। मेलिएबल इन नेचर, ये गलत है कि रैम और रोम मेलिएबल नहीं होते। अब आप कहेंगे कि सर मेलिएबल का मतलब क्या होता है? मेलिएबल का मतलब होता है जो अपनी शेप को चेंज कर ले, जैसे जो मेल्ट हो पाए, जिसको दबाएं तो वो प्रेस हो जाए, है ना, जो अपनी शेप को चेंज करे, दैट इज कॉल्ड मेलिएबल। क्या रैम और रोम अपनी शेप को बदल सकती हैं? बिल्कुल नहीं। तो दैट इज मेलिएबल इन नेचर, नॉट मेलिएबल इन नेचर, है ना, ये होगा इसका वैलिड आंसर। तो नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ रैम एंड रोम इज मेलिएबल इन नेचर। नेक्स्ट, गूगल फॉर्म इज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर? गूगल फॉर्म किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, सर्वे या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज सर्वे सॉफ्टवेयर। गूगल फॉर्म की मदद से हम लोग फिल करवाते हैं डिटेल सर्वे के फॉर्म में, तो इसे सर्वे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। सो द करेक्ट इज फोर्थ वन। नेक्स्ट वन गाइस, समझ में आ रहा है ना? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स अंडर विच कैटेगरी?
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को किस सॉफ्टवेयर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया? एम्बेडेड, ओपन सोर्स, क्लोज्ड सोर्स, वर्टिकल या नन ऑफ दीज? तो जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन सबको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो इसकी जो ब्रॉड कैटेगरी है वो क्या है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है। सो द करेक्ट वन इज फर्स्ट वन, दैट इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। क्लियर है? नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ 1010 प्लस 0101 इज, इसका आउटपुट बताना है कि अगर बाइनरी नंबर्स को जोड़ेंगे तो इसका एडिशन जो आउटपुट के फॉर्म में आएगा वो क्या आएगा। बहुत आसान है, हम जानते हैं 0 और 0 को जोड़ने पर 0, 1 और 0 को जोड़ने पर क्या मिलता है? 1 मिलता है, और 1 और 1 को ऐड करने पर 0, कैरी 1 मिलता है। तो इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1111, दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 011, 101, 011 और 101 बहुत आसान सा क्वेश्चन था, है ना? 4 टाइम 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट, वायरस दैट इनक्रिप्ट फाइल्स इज कॉल्ड, वो वायरस जो फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, इनक्रिप्ट का मतलब ताला लगा देता है, ऐसी वायरस को क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, क्रिप्टोग्राफी, इनक्रिप्शन या रैनसमवेयर? बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड रैनसमवेयर, जहां पे रिश्वत मांगी जाती है, फिरौती मांगी जाती है और तब आपके कंप्यूटर की फाइल्स को अनलॉक किया जाता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रैनसमवेयर। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रहती है कि जितने भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होते हैं, बिटकॉइन के फॉर्म में होते हैं, इसलिए इसको ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है कि किसने ये काम किया है ना? तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड रैनसमवेयर, जहां पर फाइल और फोल्डर में ताला लग जाता है और आप जब उसको क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आता है, बहुत सुंदर सा मैसेज ऐसा आता है कि इफ यू वॉन्ट टू अनलॉक योर फाइल एंड फोल्डर जस्ट पे रुपीज 100 एंड 100 बिटकॉइन। अगर आप अपनी फाइल या फोल्डर को अनलॉक करना चाहते हैं तो इतने बिटकॉइन आपको देने होंगे, और जैसे ही आप बिटकॉइन ट्रांसफर करते हैं वो फाइल्स आपकी अनलॉक हो जाती हैं। है ना, बढ़िया मजेदार तरीका पैसे कमाने का। तो दैट इज कॉल्ड रैनसमवेयर। रैनसम का मतलब होता है रिश्वत या फिरौती। मेमोरी एक्सपेंशन इन एप्पल इज कॉल्ड, एप्पल में या एप्पल की डिवाइसेस में मेमोरी को बढ़ाने के लिए कुछ एक्सटर्नल लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? रैम, रोम, ईपी रोम, सीमोस या फ्लैश? तो मेमोरी को बढ़ाने के लिए मेमोरी ही लगाई जाएगी, एडिशनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। सो द करेक्ट आंसर इज फिफ्थ वन। जैसे आपने ओटीजी केबल लगा दी या आपने कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस लगा दी जिससे कि इसकी मेमोरी क्या हो रही है? एक्सपैंड हो रही है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट, अमंग दीज नेम दी मार्कअप लैंग्वेज, इनमें से मार्कअप लैंग्वेज कौन सी है? फटाफट से बताइए। सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जावा, जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल या ऑल ऑफ दीज? हम लोग सब जानते हैं मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें टैग का इस्तेमाल किया जाता है, और टैग हमारे दो तरीके के होते हैं, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो करेक्ट आंसर होगा एचटीएमएल इज कॉल्ड एज मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, और एचटीएमएल का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? एचटीएमएल 5 है। तो एचटीएमएल का जो लोगो है वो आपको एचटीएमएल 5 के फॉर्म में ही दिखेगा। नेक्स्ट, द टाइम बिटवीन प्रोग्राम इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड, बताइए क्या रहा है? जब हम इनपुट देते हैं और उसके बाद आउटपुट आता है, इस दौरान जो टाइम लगता है इस टाइम को क्या बोलते हैं? टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम, डिले टाइम या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। आपने इनपुट दिया और उसके बाद आउटपुट आया स्क्रीन के ऊपर, जो टाइम लगा इसमें दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन टाइम। नेक्स्ट, द बूट सेक्टर फाइल ऑफ दी सिस्टम आर स्टोर्ड इन,
कह रहा है सिस्टम को बूट करने के लिए जो बूट सेक्टर फाइल्स होती हैं वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, किस मेमोरी में स्टोर होती हैं, हार्ड डिस्क में, रैम में, रोम में, कैशे या फिर रजिस्टर। बिल्कुल सही एंड द करेक्ट आंसर इज रोम। रीड ओनली मेमोरी में बूट सेक्टर की फाइल्स आपकी स्टोर होती हैं। नेक्स्ट, दीज आर कॉल्ड अनइथिकल हैकर और अ सिक्योरिटी क्रैकर। इनको अनइथिकल हैकर भी बोला जाता है और सिक्योरिटी क्रैकर भी बोला जाता है। तो ये कौन है, ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर, ऑरेंज हैट हैकर या नन ऑफ दीस? आंसर होगा ब्लैक हैट हैकर। अनइथिकल मतलब ये लोगों के पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं, ये एक तरीके से सारा इलीगल काम करते हैं। तो जो इलीगल काम करते हैं उनको क्या बोला जाता हैकर। और ये कौन से हैकर हैं, ब्लैक हैट हैकर हैं। व्हाइट हैट हैकर वो होते हैं जिनको कंपनीज अपॉइंट करती हैं, ये लीगली अपॉइंटेड होते हैं। इनको कहा जाता है कि इससे पहले कोई आपको हैक करे आप उनको हैक कर लो, है ना। तो दीज आर कॉल्ड एज व्हाइट हैट हैकर, बहुत शरीफ होते हैं ये। ग्रे हैट हैकर कौन होते हैं, ग्रे हैट हैकर इज समहाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हैट हैकर। यानी ये लीगल तो अपॉइंट इनको नहीं किया जाता, इनको परमिशन भी नहीं होती, लेकिन ये फिर भी गलत नहीं करते किसी के साथ। तो इसका मतलब कि परमिशन नहीं है लेकिन गलत नहीं करेंगे, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक और व्हाइट इज कॉल्ड ग्रे हैट हैकर। क्लियर। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस एक्सेस इज नोन एज, बताइएगा। कह रहा है जिनको इंटरनेट एक्सेस करना आता है और जिनको इंटरनेट एक्सेस करना नहीं आता, उनके बीच में कुछ गैप है ना। कुछ लोग साइबर कैफे में जाकर फॉर्म फिल करते हैं, कुछ घर में मोबाइल पर ही कर लेते हैं। तो इनके बीच का जो डिवाइड है इसे क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड बोला जाता है। इनके बीच का जो गैप है, जो डिवाइड है, जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल डिवाइड। फर्स्ट इज द वैलिड वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स कनेक्शन लेस एंड अनरिलायबल सर्विस टू सेंड डेटा। कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस है, अनरिलायबल है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता और कनेक्शन लेस है? HTTP, UDP, FTP, TCP या नन ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज UDP। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन लेस है और इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि डेटा लॉस होने की चांसेस पूरी पूरी बनती हैं। जबकि इसका ठीक उल्टा TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल है, क्योंकि वहां पर एक्नॉलेजमेंट आता है, वहां पर ये पता चलता है कि डेटा रिसीवर ने रिसीव कर लिया, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि वाकई में रिसीव किया भी है या डेटा लॉस हो रहा है बीच में। तो दिस इज कॉल्ड UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी होल्ड्स द डेटा एंड प्रोग्राम फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। कह रहा है ऐसी कौन सी मेमोरी है जो होल्ड करके रखती है डेटा और प्रोग्राम्स को, जो कि CPU के द्वारा क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है फ्रीक्वेंटली। आंसर क्या होगा, कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी हमारी किसके बीच में होती है, CPU यानी प्रोसेसर और रैम के बीच में होती है। दैट इज कॉल्ड अ कैश मेमोरी, जो कि सेकेंड फास्टेस्ट होती है। और अभी हम लोग ने देखा कि स्टैटिक रैम की मदद से इसको बनाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब सर्वर इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कौन सा वेब सर्वर डेवलप किया गया, जरा नाम बताइएगा। IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वेबरिक, अपैचे टॉमकैट, कॉडियम या ऑल ऑफ दीज? एंड द करेक्ट आंसर इज IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, डेवलप्ड बाय हुम, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड IPv4 एड्रेस।
कह रहा है इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस इनवैलिड है। तो ये कैसे पता चलेगा? हम लोग जानते हैं कि आईपी एड्रेस में हर एक ऑक्टेट की रेंज 0 से 255 के बीच में होनी चाहिए। तो क्लासेस अगर 255 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। एक बार चेक कर लो, पहला केस वैलिड है, 255 से कम है, दूसरा भी वैलिड है, तीसरा भी वैलिड है, 255 से कम है, लेकिन फोर्थ वाले केस में 1000 आ गया है जो कि 255 से ज्यादा है, तो फोर्थ इज कंसीडर्ड एज दी इनवैलिड IPv4 एड्रेस। तो रेंज कितनी? 0 से 255, बस यही याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहां पर हमने आपको दिखाया भी है कि एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। आईपी एड्रेस हमेशा दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एक है नेटवर्क एड्रेस और एक है होस्ट एड्रेस, है ना? और यहां पर रेंज क्या होनी चाहिए? 0 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट इज, इंटरनेट का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? लैन, मैन, वैन, कैन या पैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। करेक्ट आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेट या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डब्ल्यू लैन, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क या वैन या इंटरनेट। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज यूज टू रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कह रहा है कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है एमएस वर्ड में जो किसके लिए यूज किया जाता है? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। दैट इज कंट्रोल प्लस क्यू इज यूज टू रिमूव दी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी फोर्थ होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ये रहे आपके 40 क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे गए थे, सेम सीक्वेंस, सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन के साथ में। मुझे उम्मीद है कि इसमें से मैक्सिमम आप कर पाए होंगे। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए उसका कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी कंप्यूटर वीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तो मोस्ट वेलकम, आप इस बैच से कनेक्ट हो जाइएगा। अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए, ड्रीम बैच 2.0, IBPS RRB PO क्लर्क बैच से कनेक्ट हो जाइए, फुल कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, MCQs, मॉक्स, 100% गारंटी कि एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जरूर कंफर्म करिएगा। साथ ही साथ सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में अपने रिव्यूज, अपने फीडबैक को शेयर करिएगा, और उनको बताइएगा कि कंप्यूटर के लिए बिल्कुल भी डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अरोड़ा एजुकेटर चैनल पर आए और बहुत आराम से या तो बैच या तो यूट्यूब वीडियो से पढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।